हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बिल्कुल रेडी तैयार होके आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रहे हैं। ना कोई सुबह का नाश्ता, ना कुछ, आज सब कंप्लीट करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और रोहन भैया हैं इस टाइम पूरे तैयार, क्योंकि गाइस कल हमें जाना था, मतलब कल जहाँ आज जा रहे हैं वहाँ हमें कल जाना था, बट कल हमारा प्रोग्राम हो गया थोड़ा सा कैंसिल। तो गाइस आज शेड्यूल कर दिया पूरा प्रोग्राम, वहाँ चल रहे हैं, अपनी बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं आज, वहाँ दिखाएंगे। और रोहन भैया तैयार हो जा फटाफट से। वो गाइस बस देखो, अभी बनियान में घूम रहा है, टी शर्ट भी नहीं पहनी इसने, जल्दी पहन, लेट हो रहे हैं। गाइस 12:30 बज चुके हैं, 12:01 बज रहा है, तो अब जल्दी से वहाँ चलते हैं। अभी तो हुआ है, मैं इतने तैयार हूँ। देखो गाइस, इसको दिखाता हूँ, बच गया। देखो मैंने जैसे कैमरा घुमाया, नो करा, मैं तैयार हूँ, अभी टी शर्ट पहन गए। आइयो दिखियो गाइस, कल से दो बंदूक पकड़ रखी इसने, एक तो ये। गाइस देखो, रोहन भी ये तैयार है, बिल्कुल ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मस्त हो रहा है, रेड एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। डैडी हम गांव में गए थे, हमने डैडी ने गाय की पूंछ पकड़ ली, पैक के मार ली दीवार पे। गाय मम्मी, हमारी दादी, हम उन्हें मम्मी बोलते हैं, दादी दूध निकाल ली थी, अब भैंस पूंछ मारे जा रही, मैं वहीं बैठा, मैंने पूंछ पकड़ ली एकदम से, मैं रुक जा। अब भाई जो दूध की बाल्टी में लात मारी, सारा दूध घेर दिया, दादी करी करवा दिया नाश। सो गाय जब चल रहे हैं बुआ जी के यहाँ, वहां पे भी भैंस है, आज इसको बिलोंगा। ये डरता है, जब वो धार मार रहे थे ना, डरता उल्टी, वो जब गाय जब सीधी धार लगती है तो हम गुलगुली सी महसूस होती है। देखो देखो क्या नौटंकी चल रही है, पिचकारी कहाँ लगा रखी है। गाय मम्मी, मैं और रोहन तीनों जाएंगे और पहुंचते हैं जल्दी से बुआ जी के। गाइस देखो, घर से निकलते ही अपना खाने पीने का, पेट पूजा का सामान ले लेते हैं। सर हमारे 5 स्टार ले लिए, बाहर निकला, दादू से बोले, दादू एक 5 स्टार दिला, दादू ने तुरंत 5 स्टार ले दी। लो सर इसकी मौज है पूरी, हमारी कोई सुने ना सुने इसकी जरूर सुनी जाती है। गाइस मैं उनका लाल लाऊ ना, अच्छा लाड लाऊ। गाइस कभी कभी तो मैं भी नहीं समझ पाता, तोतले, ये तोतला बोला, ये पता ना कहाँ से तोतला हुआ। आपने तो तोतले तो मांगा था मुझे। आपने मुझे तोतले तो मांगा था, मैं दिमाग घुमा देता तुरंत। गाय मतलब घूम फिर के सारी बात हमारे पुष्पा, वाकई में पुष्पा गए थे, पुष्पा ला आज पिला समझेगा। गाइज अभी अम्मा गई हैं पीछे कुछ फल वगैरह लेने, वो खरीद रही हैं फल। गाइज डैडी व्लॉग बनाना भूल गए, हम तो अच्छा आप ही गए। गाइज अभी कह रहा मेरे से डैडू, इतने अम्मा आवे इतने से चट कर जाऊं, चल एक काम कर, दोनों मिलकर चट कर रहे हैं। कॉल कॉल जल्दी कॉल, इतने अम्मा आएंगी इतना साफ, फिर कहेंगे हमारे पास चॉकलेट ही नहीं है। बाय बाय, टाटा, खत्म, गुड बाय। देखो देखो तेरी गाइज कितनी स्पीड से खोल के भाई। वाह अम्मा, हम चॉकलेट नहीं खा रहे। ना खा रहे क्यों? अच्छी नहीं है। नुके अम्मा भी नुक मत खाओ। भाई वाह, हमारे परिवार वाले तुरंत बुद्धि है, सारे जवाब ऐसे दे, ना बोले ना बोलन दे। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ जी के यहाँ, और देखो आज आपको नए मेंबर से मिलवाएंगे। ये है हमारा छोटा बाबू तनिष्क, जो बुआ जी का लड़का है ना, सोनू भाई, उनका बेटा है तनिष्क। हाय कर दो। गाइस रोहन का जोड़ीदार है बिल्कुल, दोनों भाई अभी कह रहे थे कि हम पिचकारी से खेलेंगे, तो मैं तो यहाँ मजे करूँगा पूरे, टीवी चलाएंगे। अभी यहाँ हमारे ब्लॉग चल रहे थे तो वो हमने बंद कर दिए, अभी तो पहले ब्लॉग शूट किया और फिर देखेंगे आगे का। तो आपसे बड़ा है ना ये, आप छोटे बच्चे पिचकारी चला रहे हो, बड़े बच्चे थोड़ी खेलते भी। देखो मने कर रहा, सही बात कह रहा, आप छोटे बच्चे ज्यादा बन रहे हो, पिचकारी थोड़ी चलाओगे आप। गाइस तो मेरी बड़ी है, नहीं तो उससे थोड़ी मतलब होता है, उम्र में तो आपसे बड़ा हो। है कितनी उम्र है? 9। देखो और आपकी 5, तो 15।
फिर बड़ा नहीं हुआ, बड़ा भाई नमस्ते करी बड़े से, नमस्ते तो करो, बोलो भैया नमस्ते, इधर लाओ। चल गाइज अभी कर लेते हैं, इनको खेलने दो, बच्चे दोनों खेलते रहेंगे और मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि रात में जगता हूँ ना तो जहाँ भी मौका मिलता पहले सो लेता हूँ। अभी पहले सोऊंगा तो नहीं, पर यहाँ मस्त मस्त अभी गाने सुनेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे गाइज कहीं। कच 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 तोड़ दे, मेरे छाते मार कर रहा, कच 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 कच, मैं मार कर देखूं, मार कर देखूं। स्क्रीन पे देखने का मजा ही कुछ हो रहा है, मुझे भी लगवानी है, घर लगवाऊंगा बड़ी मस्त स्क्रीन, तो देखते हैं कब तक आएगी अपनी, कब नसीब में, अभी तो हमारी छोटी ही है उसी पर काम चला रहे हैं। जो ना हमारा पूरा शौकीन आदमी है, बूफर पूरा लंबा वाला, डीजे वाला सिस्टम, साउंड बार वगैरह सब लगा रखी है मस्त एकदम, पूरा शौकीन आदमी है, इतना बड़ा सिस्टम। गाड़ी में सब निकाला, अब चेन दूसरा लगवाया गाय, जब दूसरा लगवा रहा उसमें भी एक चीज़ देख रहा था कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमारी कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो मुझे मैं बहुत ठीक तो या बहुत मस्त तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मच बेटर है जो होनी चाहिए, बेटर से भी थोड़ा सा ऊपर है, पर मुझे इससे और बेटर करनी है गाइज। इसमें अभी 720p पे चल रहा था, अब इसे 180p पे चलाते हैं तो, क्योंकि क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। देखो अभी मैं जो ना इसे मैं कह रहा था यार इतनी तो क्वालिटी अच्छी, देखो गाइस और क्लियर होगी, मैं अभी जो क्वालिटी देख रहा था ना उससे और बेटर होगी, क्योंकि अभी 720 में चल रही थी, 180 में और ऑप्शन देखते हैं गाइस, गाइस इतना ही दिखा रहा, इससे ज़्यादा नहीं दिखा रहा, 180p। इसमें FPS और बढ़ाने, मुझे कैमरा क्वालिटी लग रहा है कि इम्प्रूव करनी पड़ेगी गाइस। आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे तो मैं पूरा वीडियो क्वालिटी में तो मजा खड़ा कर दूंगा गाइस, बस जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है ना पिछले 2 महीने में, बस ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, वीडियो क्वालिटी भी बेटर करूंगा, कंटेंट भी बेटर करूंगा, सारा बेटर करूंगा, कहीं कमी लगे तुरंत बता दो कमेंट डाल के, भैया ये गलती कर रहे हो इसको ठीक करना, आपको तुरंत इम्प्रूवमेंट मिलेगा ऑन द स्पॉट गाइज, मतलब ऑन द स्पॉट का मतलब इस व्लॉग में आपने कमेंट किया तो आने वाले एक या पहले या दूसरे व्लॉग में आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा उस चीज़ से रिलेटेड। सो गाइज कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। गाय पाली हुई हैं और ये देखो मुर्गी, देसी मुर्गी, पूरे शौक करते हैं, ये बुआ जी का घर है गाइज। बुआ जी के यहाँ से तो हम आ चुके हैं वापस, अभी जो अपने पर्सनल काम थे जैसे अब आटा पिसवाना है, तो मम्मी गई हैं पीछे चक्की चेक करने के खुल रही है या बंद है, बुला के लाएंगी, वो भैया आएंगे फिर ले जाएंगे कट्टा उतार के अपने आप पीस के, बेचारे बहुत बढ़िया गाड़ी में रख जाता। रोहन भैया को मिले हैं ये गिफ्ट, तनिष्क ने दिए हैं लाके, दोनों मस्त उड़ा रहे थे, अभी उड़ियो एक उड़ियो लाओ, अच्छा पैसे, मैं देखो रिश्तेदारी में जाने का ये फायदा पैसे मिलते है। देखो ये उड़ नहीं रही अभी, गाड़ी बाहर उड़ाएंगा, इस घर चल के उड़ाऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे उड़ती है, मस्त लग रही थी पहले बहुत उड़ाता था जब मैं छोटा था, मुझे तो ये अब ये लगा लो सालों में दिखी है, बस 10-15 मिनट में पिस जाएगा, हमारा ही लगा हुआ है नंबर पे, क्या यहाँ नहीं उड़ाते, फिर कहीं टंग टंग आ गई फिर दिक्कत आएगी, घर उड़ाएंगे इसको, पता चली ऊपर ये टक गई कहीं, कहाँ गई वो रही, मुझे ही नहीं दिखी, उड़ाई आपको उड़ाइयो उड़ाओ, देखो फुस होगी फुस, मैं उड़ा के दिखाता पर कैमरा कौन पकड़ेगा। अब मैं उड़ा लेता हूँ इसके साथ थोड़ी सी, हाँ फिर चलेंगे फटाफट अपना आटा पिसवाने के बाद। गाइस आटा पिस चुका हमारा, अब जा रहा हूँ मैं टीनू भैया के यहाँ पे, वहाँ से गाड़ी की एक्चुअली क्या है कि सर्विस होनी है, टाइम हो रहा है हमारी, तकरीबन जब सर्विस हुई थी उससे 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुकी गाइस, तो मैं सोचा हूँ सर्विस एक बार दिखवा लूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत होगी हाँ दिक्कत होगी तो गाइस धक्का मार के लानी पड़ेगी, चल के देखते हैं क्या बताते हैं भैया, चेक कराऊंगा गाड़ी को, ऑयलिंग वॉयलिंग या सर्विस ही होगी या पूरी वैसे फिल्टर विल्टर क्या क्या चेंज होने, तो एक दिन टाइम निकाल के सर्विस करा देंगे इसकी, और पहले पूछ लेते हैं कब आना है, क्योंकि टाइम लेना पड़ेगा ना, काफ़ी काम रहता तो भाई तसल्ली से किस दिन आ जाऊँ मैं उस दिन कराएंगे। गाड़ी में खोले गाड़ी है तो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, अपने टमटम की चेकिंग, अभी ब्रेक पैड और चेक होंगे इसका, ऑयल वगैरह टॉप अप कर रहे हैं,
काली काली स्क्रैच, स्क्रैच बाहर से आके हटवाएंगे। गाइस अभी इसके सर्विस वर्विस चेक करवा रहे हैं, इसके ब्रेक पैड वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। गाइस गाड़ी की सर्विस करवाने के मूड से आए थे, पर भैया कहने लगे सर्विस की जरूरत नहीं, गाड़ी टंच पड़ी है, थोड़े से थोड़े टॉप अप करा दिए सारे ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़े थोड़े कम हो रहे थे भाई, इतने दिन हो चुके चलते चलते, और बीच में हम लास्ट टाइम पहाड़ों पे भी ले गए थे इसे, तो थोड़ी सी टॉप अप करे हैं। कह लगा आप कहीं घुमाए फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आके गाइस आके करानी पड़ेगी, नो कह रहे पहले घुमाओ, जब आ जाओगे तब करा देंगे सर्विस इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है मामला, ब्रेक पैड सब ओके है हमारी के। हमारी मदन स्वीट्स, यहाँ खाएंगे कुछ बढ़िया सा खाना पीना, देखते हैं क्या पसंद करोगे आप रोहन भैया। हाँ पाव भाजी, पाव भाजी दिख गई से, पहले गोलगप्पे खा लो, आ जाओ पहले गोलगप्पे खाएंगे। कौन सा पानी लेगा, मीठा खट्टा? मीठा खा लेगा, देखो खाया नहीं जाने का इससे। गोलगप्पे तो खा लिए, हजम कर चुके, अभी आ रहा है डोसा और पाव भाजी, तो पाव भाजी खाने की तो हिम्मत है नहीं, उसे कराएंगे पैक घर के लिए, और डोसा खा के चलेंगे, क्योंकि गोलगप्पे इतने मस्त से, दो प्लेट तो वैसे ही खा रहे थे, ऊपर से एक एक प्लेट और एक्स्ट्रा खा ली। आधा तो हम खा चुके, आधा बच रहा, मस्त लग रहा है, एकदम टेस्टी, मस्त पेट भर गया, रोहन ने बढ़िया पार्टी करवा दी। गाइस अब जा रहे हैं हम वापस घर, यहाँ के गाजियाबाद के शहर के सारे काम हो चुके हैं, और अब घर चलते हैं क्योंकि शाम हो रही है और इसको आ रही है नींद। देखो सोने की मस्त एक्टिंग कर रहा, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। पहुंच चुके हैं घर, और आते देखो ये आते उड़ानी शुरू कर दी, फिर की उड़ाइए दोबारा, उड़ाइए, उड़ा उड़ा उड़ा, अब बेटे गाइस मस्त उड़ रही है, अभी ये जाएगा अम्मा के साथ पार्क में और वहां उड़ाएगा, उड़ा 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 उड़ा, मारा रुका बाजे हरी दुनिया में भाई, गुड़गुड़ करता हुक्का बाजे हरी दुनिया में भाई। गाइस निहां डर रहे हो, कभी एक बार तो ऊपर अटक गई थी वहां पे, निकाल दी मैंने आते। गाइस मेरी चाय आने वाली है, चाय पीऊंगा मस्त से फिर जाऊंगा। चाय पनीर बनाया गाइस, और रात को खाएंगे मस्त, क्योंकि अभी बस चाय को मन कर रहा है। गाइस होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब हम कहाँ आ गया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।